लेकिन एक शेयर जो आज कमजोर बाजार में भी कहते हैं ना कि खूंटा गाड़ के खड़ा है, वो है जोमैटो का। 10-12% शेयर आपको ऊपर दिखेगा और उसकी वजह यह कि नतीजे बड़े सॉलिड कंपनी ने पेश किए हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर पहुंचा है और ब्रोकरेजेस भी उस पर हो गए हैं बुलिश। डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। शरद बताइए, नतीजों में ऐसा क्या खास रहा कि आज इतनी रौनक शेयर में और ब्रोकरेजेस के व्यू क्या है इस पर? जी बिल्कुल, जोमैटो के नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए थे लेकिन ब्रोकरेजेस की जो व्यू है यहाँ पे एक टाइप से अपग्रेड्स देखने मिले और भरोसा बढ़ गया है। उसके कारण जो हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। ब्लिंकिट की बात करें तो उनका प्रदर्शन जो है उसमें बहुत अच्छी सुधार हुई है। आंकड़ों की बात करें तो जून तिमाही के जो मुनाफा है वो 2 करोड़, याद रखिएगा, 2 करोड़ से बढ़ के और 250 करोड़ रुपये हो चुका है, ये बहुत बड़ा जंप आया है। इसके अलावा जो ऑपरेशंस है वहाँ पे ऑपरेशनल रेवेन्यू जो कामकाज मुनाफा वहाँ पे भी 74% का जो है ओवरऑल ग्रोथ देखने मिला है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जिस चीज़ को हम कहते हैं ई कॉमर्स में, यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे 53% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। ब्लिंकिट जो उनकी क्यू सर्विस की जो बिजनेस है यहाँ पे डार्क स्टोर्स होती है, अब ये डार्क स्टोर्स उनका जो है 639 था लास्ट ईयर, अब वो बढ़ के 2000 हो चुका है। तो ऑफकोर्स देख रहे हैं कि उनके सारे बिजनेसेस, फूड डिलीवरी बिजनेस, क्यू सर्विस बिजनेस, दोनों में ही एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। पर जोमैटो की रिटर्न्स कैसी आई है और ये जो है इसके जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू ब्रेकअप है वो मैं बता देता हूँ। टोटल 53% का है, फूड डिलीवरी 27% में आता है, लेकिन जो क्विक कॉमर्स है या गोइंग आउट है यानी कि बाहर जाके इवेंट्स में जाने में, वहाँ पे देखिए छोटा बेस है लेकिन ग्रोथ देखिए बहुत स्ट्रांग है, डबल डिजिट के ऊपर आ रहा है। अब बात करते हैं कि जोमैटो पे दिग्गज ब्रोकरेजेस का क्या राय है, स्पेशली फॉरेन ब्रोकरेजेस का। यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे करके वो अपनी जो लक्ष्य है उसको बढ़ाया है। CLSA, नुवामा दोनों में देखेंगे तो एक अच्छी ग्रोथ आई है, 20-30% का जो है लक्ष्य बढ़ा है। वही हम देखें मॉर्गन स्टैनली, सिटी, जेफरीज, यहाँ पे भी जो है हमने देखा कि रेटिंग्स में भी थोड़ी अपग्रेड आई है और ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि लक्ष्य है वो टोटल इंक्रीज हुआ है अच्छा खासा। अभी डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस का भी जो है थम्सअप देखने मिला है। शेयर की क्या चाल है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक महीने में स्टॉक 24% चल चुका है, 6 महीने की बात करें तो 80% चल चुका है, और अगर 1 साल की बात करें जो उसमें गिरावट देखने मिला था 1 साल पहले, वहाँ से जो रिकवरी जोमैटो की आई है वहाँ लगभग साल में 204% रिटर्न देखने मिले हैं। तो आप देख सकते हैं जोमैटो जो है अपनी बड़ी फॉल के बाद 2 साल के बाद जो है आज हाईएस्ट इंट्राडे गेन भी रजिस्टर किया था दिन के ट्रेड में। जोमैटो का जलवा, 12-13% ऊपर ही शेयर कारोबार कर रहा है। शरद बहुत शुक्रिया आपका ये सारे के सारे डिटेल्स बहुत ही बारीकी के साथ और अलग अलग करके बताने के लिए। चोपड़ा साहब, आपसे जोमैटो पर व्यू चाहेंगे। देखिए ब्लिंकिट ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और अलविंदर ढिंडसा जो कि इस वर्टिकल के CEO हैं उनका ये कहना है कि जो परंपरागत जो सेगमेंट्स थे ना फूड का, वेजिटेबल का, ये तमाम चीज़ें, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के ब्यूटी केयर की बात हो गई या फिर टॉयज़ वाले सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ग्रोथ वहाँ से ड्राइव हो रही है और वो नए नए सेगमेंट जोड़ते रहेंगे। आपको जोमैटो कैसा दिख रहा है सर? मुझे अच्छी तरह से याद है कि लास्ट ईयर 85-90 रुपए के आसपास का भाव था, अब तो खैर 270 का, 276 रुपए का रिकॉर्ड, 78 रुपए का रिकॉर्ड बना दिया इसने। 75-80 से नहीं, मैं 40 रुपए से बोल रहा हूँ। जोमैटो मल्टीबैगर है और मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 3 सालों में, 40-45 रुपए की रेंज में आया था और मैं लगभग सभी चैनल से बोलता रहा। रीजन उसका यह है कि आदत पड़ चुकी है लोगों को घर बैठ के खाना मंगाने की। ब्लिंकिट ने और आदतें खराब कर दी है, नो डाउट। ये पूरी की पूरी नई जनरेशन है वो काफी सुस्त है, वो हिलना नहीं चाहती और वो उसका फायदा उठाया, उन्होंने माइंडसेट का फायदा उठाया और एक ऐसा प्रोडक्ट दिया उनको जो 10 मिनट में कुछ भी अवेलेबल हो जाता है। गृहणियां हैं, काम करने वाले लोग हैं, बिजी हैं आजकल, गाड़ी निकालना, पार्किंग, समय खराब होना, ये सब चीज़ें बड़ी रियलिस्टिक इश्यूज हैं और इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। अब जोमैटो हाइपर प्योर करके भी उसका एक वर्टिकल है जिसमें आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाइपर प्योर इज प्रैक्टिकली अ मॉल जो जियो मार्ट कर रहा है ऑनलाइन या डी मार्ट कर रहा है या कोई भी ऑनलाइन जो सेल्स कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, तो हाइपर प्योर भी खाने से रिलेटेड चीज़ें कर रहा है और भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देगा। तो मुझे लगता है जोमैटो अपने आप में एक इंडस्ट्री बन रही है और मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूंगा कि आज से 5 साल बाद ये 1000 रुपए का हो जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूं कि आज से 4-5 साल बाद आपको जोमैटो 1000 रुपए दिखे, मैं बिल्कुल भी चकित नहीं हूंगा। जिस तरीके से इसकी ग्रोथ है और जिस तरीके से, मुझे अच्छे से याद है जिस दिन ब्लिंकिट खरीदा था उस दिन काफी डैमेज हुआ था स्टॉक में, मुझे याद नहीं मगर अच्छा खासा जोमैटो में डैमेज दिखा था।
और उसके बाद इन्होंने जो टर्न अराउंड किया, मुझे लगता है जो मैनेजमेंट है जोमेटो की वो बहुत स्ट्रांग है और वो लीकेजेस रोक पाए और लोगों से पैसा निकाल पाए हैं। पहले लोग डिलीवरी के पैसे नहीं देते थे, मगर अब जोमेटो डिलीवरी का पैसा चार्ज करता है और लोग खुशी खुशी देते हैं क्योंकि उनको कन्वीनियंस मिल रहा है। दूसरी बात, जहां आप रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं या जो फूड कंपनीज की बात करते हैं, वहां से भी 28 से 30% और कई बार 32% तक जोमेटो लेके जाता है। तो वो अपना रेवेन्यू पूरा कलेक्ट कर रहा है और डिफरेंशियल प्राइसिंग का भी मॉडल साइन के कि रेस्टोरेंट का प्राइसिंग अलग है, जोमेटो का प्राइसिंग अलग है, मगर लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव की है और जो हाइपर लोकल डिलीवरी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है, वहां पे भी ये लोग प्रॉफिटेबिलिटी लेके आए हैं, दिस इज कमेंडेबल। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को, और मैं दोबारा कहूंगा जोमेटो यहां से भी मल्टीबैगर। ठीक है, यहां से भी मल्टीवैगर है जोमेटो। चोपड़ा साहब, वैल्यूएशन स्ट्रेच तो नहीं हुए कहीं, मतलब थोड़ा सा करेक्शन का वेट करें या फिर इस भाव पर भी ले लें? आपने मगर मेरे को कई सालों से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने कभी भी ये बोला ही नहीं कि आप कूद के खरीद लीजिए, कभी भी नहीं। मार्केट हमेशा मौका देता रहता है और कभी भी कोई स्टॉक किसी भी दिन 12-15% तेज हो, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वेट करना है। और यही बात मैं बहुत सारे मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए, टाटा मोटर्स में 250 रुपए से बोल रहा हूँ, हिंडाल 230 रुपए पे बोला, टाटा मोटर्स के लिए कहा कि भारत का टेस्ला है। जोमेटो एक इतने सारी भीड़ में एक इकलौती कंपनी खड़ी हुई जो पैसा बना पाई, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जो कि पैसा नहीं बना पाए और उन्हें अपने मॉडल्स बंद करने पड़े। मगर नो डाउट मुझे मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए होती है अगर आपको पैसा बनाना है तो, और ये मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से उसको ड्राइव कर पाई है। तो वैल्यूएशन नो डाउट इस समय नहीं, मगर आपको कभी भी आपको 230 220 25 में मिलता है किसी गिरावट में, और मैं बात 4-5 साल की कर रहा हूँ, मैं 4-5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज BTST कर लीजिए ये कर लीजिए, ऐसी कोई स्टोरी नहीं दे रहा हूँ। पर मुझे लगता है ये जो मॉडल है और जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहे हैं और जो नए वर्टिकल्स खोल रहे हैं वो लोगों को आदतें पड़ चुकी हैं, और जो ईज है, मैंने नहीं देखा कि जोमेटो के ऐप पे कभी कोई कोई ग्लिच आई हो, मतलब बहुत सारे ऐप्स तो अपनी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं चल पाते और लोगों को कंफर्ट नहीं होता। तो जिस तरीके से ये ऑफर्स लेके आते हैं, लोगों के साथ एंगेज करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आई वॉज इन बॉम्बे लास्ट वीक, तो मेरे को एक मैसेज आया, विजय इडली ब्रेकफास्ट स्लैश इडली। सो आई डोंट नो इन्होंने कहाँ से ये बात इनकी इनको समझ में आई कि मुझे साउथ इंडियन फूड पसंद है, और उन्होंने मेरे को एक ऑफर किया। आई वॉज सिटिंग इन बॉम्बे, ऑल दो आई वॉज इन होटल, तो वहां पे ब्रेकफास्ट था, बट बहुत ही खूबसूरती से ये लोग चीजें पिक कर रहे हैं, और नो डाउट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है, AI का इस्तेमाल भी हो रहा है, और कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं उसकी पसंदीदा चीजों से, और आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा काम किया है। और आगे भी मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे, कोई बेवकूफियां नहीं करी मैनेजमेंट ने, तो ये यहाँ से भी 4-5 गुना होने का दमखम रखता है। इंतजार करिए, वेट करिए थोड़ा सा, और गिरावट में अगर जोमेटो मिलता बिल्कुल लेना चाहिए। ठीक है, गिरावट का वेट कीजिए जोमेटो को खरीदने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक